हाशर अरे गोकिलियोरी बरसाने में अरे छाए रहो पाप जमाने में अरे ऋषि मुनि तेरा अरे पार न पावे कृष्ण बिके दो आने में गोकिलियोरी पर आने में छाए रहो पाप जमाने में ऋषि मुनि तेरा पार न पावे कृष्ण बिके दो ये पूछ रहे कि इस बाग में भीड़ भाड़ कैसी है। इस बाग में भीड़ भाड़ इस बात की है कि राजा प्रथम के यहाँ एक रानी आई है, हाँ, और उसकी इस बात की जिद है कि जो नल पुराण की कथा सुनाएगा वही उसे अपनी रानी बनाएगा। और जो कथा नहीं सुना पाएगा, कथा जो नहीं सुनाएगा, सेंट्रल जेल में वो साठ हाथ गहरी बक्सी में डाला जाएगा। अच्छा, तो एक हमारा चेला है, वो पहले उसे बुलाए। क्या तुम्हारा चेला कथा जानता है? नल पुराण की कथा चाहिए। नल की सुनो, नल के बाप की सुनो, टेप भूल की सुनो, नल की सुनो, नल के बाप की सुनो। चेला, तो इसका मतलब तुम बड़े विद्वानी ब्राह्मण मालूम पड़ते हो। चेला का ना सुना पा रहे तो हम सुने। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ सुना हुआ। चेला ना तो लगा दे पहला, ये ना दावत ले, साधु का दावत ना आप। हाँ, जय जंदी। देखो पहले नल पुराण की कथा सुना है, नल की तथा जान तो है। हाँ, बहुत जत्ती जर रही है। ए, जत्ती ना बत्ती, बत्ती हाँ। मार कोठी सजा जाइए आज। देख का चक्कर हुआ यहाँ। एक रानी कथा सुन रही है, 750 पर्दा लगी हुई है। 750 पर्दा लगी है, पर्दा लगी है, पर्दों में रानी बैठी हुई है। अच्छा, और वहाँ पर नल पुराण की कथा सुनाई जा रही है। अच्छा, जो नल पुराण की कथा सुना देगा वो ही रानी बना लेगा। अगर नल पुराण की कथा नहीं सुना पाएगा सीधा सेंट्रल जेल में भेज दिया जाएगा। बोल दो, देख लो चेला मामा, तुम कथा जानते हो? अरे कथा ना जानते, सब चीज जानते हम। हम ऐसे मान लो पत्रा नहीं रहा था, काशी विजय से लेके आए हैं। नई पत्रा लाए हो? तो नई पत्रा में तो सभी कथा लिखी होगी। सब कथा लिखी भाई है। सुनाओ। अच्छा, तो आसन बासन का जाकर जाई ना। तुम्हारे जो दरबार में आसन बासन का जाई ना। आसन पंडित ठाड़े कथा करवाओगे तो कोई बात नहीं, आसन मिलेगा भैया। एक आसन रेडियो कोई
ले बैठो बैठ जाओ महाराज। अरे बढ़िया बढ़िया सुनाइयो कथा। काय को सुनियो? नल पुराण की कथा। नल की सुनियो? नल के बाप की सुनियो? बात अब है रही नल की। नल के बाप? हाँ। नल के बाप की कथा कैसी है? नल को बाप हो तो ट्यूबवेल। अच्छा सुनाओ पहले। और ट्यूबवेल को बाप को तो नहर। नल को बाप ट्यूबवेल और ट्यूबवेल को बाप नहर। और आगे? और फिर आगे बाद में नदी, फिर गंगा जी, फिर समुद्र। नदी? हाँ। और नदी के बाद गंगा जी, फिर समुद्र। अरे रानी मोतरी ये बताओ कथा अच्छी लगी कि नहीं? अरे ये पंडित नहीं को बट रही है, इसको सात आठ गजे भक्ति में डलवा दीजिए। ये कथा नहीं तुम्हारे समझ में आई? नहीं नहीं आई समझ में। अरे अरे बीती जा रही उमरिया तमाम। अरे राधे श्याम सीतारा बीती जा रही। सतयुग में आए के तू तीन काम कर ले। अरे यहाँ भीड़ भाड़ कैसे भाई? क्या ब्राह्मण है? भीड़ भाड़ इस बात की है कि राजा प्रथम एक रानी लाए हैं और उसकी इस बात की जिद है कि जो उसे नल पुराण की कथा सुनाएगा वही अपनी रानी बनाएगा, आधा राजपाट पाएगा और आधा राजपाट पाएगा, मनमाना इनाम मिलेगा उसे। अच्छा हाँ तो लाओ आसन। लाओ आसन रखा है, तुम कथा जानते हो? हाँ कथा सुनिए। कौन सुनने वाली की आवाज तो दिलवाओ, कहाँ है? इधर मोतरी पर्दा के अंदर बैठिए। ला भैया मालिक कहाँ है? पत्रा खुलाओ जल्दी। हाँ भैया पत्रा से खुलाओ तभी तो कथा होगी। पत्रा नहीं खुलेगा फिर कथा होगी कैसे? ला भैया कहाँ है प्रधान जी? कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जी बे परे लंबे लंबे। राम राम को राम दयालु हम मठा के आलू धरे कहाँ? एक हम बैठ के गन्ना तोरा, बैठ के मेहनत खूब चचोरा। ये क्या है श्लोक? श्लोक है राम राम कौ राम रसोइया भैंस बांध ले बिना पवैया। पंडित जी महाराज हमें जब बताओ बगैर पगैया के भैंस कैसे बंध जाएगी? लड़ारी में चारों डाक दो जालो, चारों बनो रहे तो बंद ही रहे, वो तो फिर चली जाएगी, कोई मतलब ना। फिर बंदी कहाँ? एक हम बैठ के गन्ना तोरा, बैठ के मेरे पे खूब चतोरा। मालूम पड़ता आप अच्छे ब्राह्मण हैं। राम राम कौ राम रसोइया आई नगर है ना मित चिपकनी गुइयो। हर गुइया बहुत कम मिलती है। ला भैया कहाँ है जल्दी कलम? अकेले कहीं बड़े कहाँ है पंडित भाई? प्रधान जी। प्रधान जी कहाँ है भैया जल्दी बुला? उठाए दे भैया, उठाए दे प्रधान जी को। अरे प्रधान जी ना तो कोई और दे दे दक्षिणा कम से कम। कैसे खोल दे?
कोई दक्षिणा तो दे दो। दक्षिणा जी लिखने बारे इनसे कह दो बाबा 100 रुपया काट दो। खापी मैं 100 रुपया काट दे गई मैं दे दो पत्रा खुलिया बिना दक्षिणा के कुछ ना। आए रे दद्दा आए रे आए रे आए रे आए रे। अच्छा ना है भैया कोई बात ना दद्दा है बड़े बूढ़े है बड़े बूढ़े है बड़े बूढ़े है हमारे दद्दा है हमारे दूसरे का है इज्जत तो करी ले लो पंडित जी महाराज कोई बात ना दादा ने दे दो तुझे। अरे इज्जत तो इज्जत है मान का पान का भी होता है। नल पुराण की सुनियो हाँ की नल के बाप की सुनियो बात बह रही नल के अय्या की सुनियो नल के बापों की जान ते नल की अय्यों की जान ते बोल की सुनियो हमें नल की न अय्या की चाहिए न नल के बाप की चाहिए नल पुराण कथा चाहिए हमें सिर्फ नल की कथा चाहिए। सुनो सुनाओ चरत खंडे भरत खंडे तका दद्दे बहन के जय कथा है ना। सुनो तो देखिए पहले बाजार जाना चाहिए पहले बाजार जाओ फिर बाजार से कम 60 फुट पाइप लाइन लाना चाहिए। बाजार जाए बाजार से 60 फुट पाइप लाइन अच्छा और घर ले जा करके छोटा सा गड्ढा कराइए छोटा सा गड्ढा कराए फिर उसमें जा करके गड्ढों में पाइप डलवाइए बोरिंग करवाए पाइप डलवा करके पिचकारी से बोरिंग कराइए। अच्छा बोरिंग कराए फिर बोरिंग करा करके उसमें जब बोरिंग हो जाए हाँ तो कैप्टी होना चाहिए बोरिंग के बाद कैप्टी होना चाहिए। अच्छा और कैप्टी के बाद जब कैप्टी हो जाए हाँ तो फिर बाजार जाइए फिर बाजार जाए हाँ हाँ और एक माह से नल लाइए मशीन लाए मशीन उसमें कसा दीजिए मशीन फिट करवा दे बिल्कुल। अच्छा फिर हफ्ता हो चुट करो अपने यहाँ पानी निकल जाए बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। नल की कथा है अरे नल की नहीं मुझे नल पुराण की कथा चाहिए। मानो हम भड्डरी भड्डरी नल पुराण की कथा सुनाने के लिए इधर जब बनियों ने राजा नल को समुद्र में डाला था तो आज राजा नल देखिए कहाँ के लिए प्रस्थान करता है। उस वक्त राजा नल ने कछुओं को मेवा खिलाई थी वही कछुआ पगड़ी पलटा यार जब बनाया था सैतारो कछुआ कहने लगे महाश्वर कि राजा नल मैंने तुमसे पगिया पलटी है। अरे कछुआ कहने लगे हे भैया कहो तो तुम्हारी हम मंजा मेहतारी मिला सकते हैं। तुम तो
कछुआ कहने लगे कि भैया बताओ तुम्हारी मन का मेहतारी मिला दे, ये बताओ तुम्हें पार उतार दे। राजमल कहने लगे भैया मुझे कुछ नहीं, मन का मेहतारी से अभी नहीं मिलेंगे, मुझे केवल तुम पार उतार दो। इधर कछुआ ने क्या काम किया है,